नमस्ते, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित। सोलन सब्जी मंडी में पहुंच चुके हैं। बुधवार का बेहतरीन दिन और आज जो है सोलन सब्जी मंडी में ताजा सब्जियों और फ्रूट्स के भाव क्या रहने वाले हैं वो हम आपको जरूर बताएंगे। आप जो है धीरे धीरे इस लाइव स्ट्रीम के साथ जुड़े और आज जो है सोलन सब्जी मंडी में ताजा सब्जियों और फ्रूट्स के भाव क्या रहने वाले हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचे। मैं भाटिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मार्केट में बैंगन भी थोक मात्रा में आया है। स्पेशली अगर मैं बात करूं इधर, अगर कैमरा घुमाया जाए तो ये फ्रेश मिर्ची आप देख पा रहे होंगे और मेरे हाथ में जो है आप एक टमाटर का भी पीस देख पा रहे होंगे। और ये जो टमाटर है पिछले कल 200 से लेके 250 तक टॉप हिमसोना बिका है और कुछ एक लॉट जो है 300 तक बिका है पिछले कल। आज जो है टमाटर के भाव क्या रहने वाले हैं वो हम आपको जरूर बताएंगे। आप जो है इस लाइव स्ट्रीम के साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें क्योंकि अभी सभी का फोकस टमाटर पर ही है कि टमाटर के जो भाव है वो कब बढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है सभी लोग ये कह रहे हैं कि बैंगलोर से थोक मात्रा में टमाटर आना शुरू हुआ है, इसी वजह से जो है टमाटर के जो रेट है वो डाउन चल रहे हैं। लेकिन ये रेट अच्छे वाले हमारे किसान भाइयों को कब तक मिलेंगे इसके बारे में अभी कोई अनुमान नहीं है। अगर हम बात करें शिमला मिर्च की तो वो भी आज थोक मात्रा में पिछले कई दिनों से आ रही है। शिमला मिर्च का आज का भाव क्या है वो हम आपको जरूर बताएंगे। आप जो है इस लाइव स्ट्रीम को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि बुधवार के बेहतरीन दिन जो है सोलन सब्जी मंडी में आज के जो ताजा सब्जियों और फ्रूट्स के भाव क्या है वो हम आपको जरूर बताएंगे। हमारे एक्सपर्ट बस थोड़ी देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि आज ताजा फ्रूट्स जो मार्केट में आए हैं, ताजा जो सब्जियां आई है मार्केट में उसके भाव क्या है वो हम आपको जरूर बताएंगे। सानी साहब, अगर आपके पास 2 मिनट का टाइम होगा तो हम सबसे पहले बात करेंगे टमाटर की क्योंकि सभी का फोकस टमाटर के ऊपर ही है कि टमाटर के जो रेट है, टमाटर के जो भाव है वो क्या रहने वाला है। सानी साहब, आपको वेरी गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सानी साहब, सबसे पहले टमाटर पे आना चाहूंगा। पिछले कल टमाटर जो है हिमसोना टॉप 200 से 250 तक बिका, आज क्या रहने वाले हैं टमाटर के दाम आपके हिसाब से? कोई उम्मीद नहीं है जी टमाटर के सुधार नहीं होने के रास, और लगभग ये भी बिक जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी कि यहाँ भी टिका रहे क्योंकि बेंगलोर नासिक तो इस समय पूरा फुल फ्लश में आ गया नीचे जी। कब तक आसार है कि टमाटर के रेट बढ़ेंगे सर? क्या जी ये पिनोर डालिए कहना? हाँ जी, कब तक आसार है कि टमाटर के रेट जो है वो हाइक होंगे? अभी तो कुछ उम्मीद नहीं है क्योंकि अब नीचे का शुरू हो गया, अभी वो तो अब बढ़ता ही जाएगा नीचे का वो जी। तो इसलिए अभी तो कोई आसार नहीं लग रहा कि अभी रेट ऊपर जाने के जी। अगर मैं बात करूँ शिमला मिर्च की तो वो भी काफी दिनों से थोक मात्रा में सोन सब्जी मंडी में आ रही है, तो शिमला मिर्च के आज के भाव? शिमला मिर्च का रेट अच्छा चल रहा है जी। शिमला मिर्च कल भी 35-40 बिकी है और उम्मीद है आज भी यही क्योंकि यूपी अपने लखनऊ यहाँ की कलकत्ता तक की सबकी डिमांडें खुल गई है और इस समय सोलन ही है लगभग जो शिमला मिर्च सब जगह पसलाई दे रहा है जी। अगर मैं बीन की बात करूँ तो बीन के आज के भाव? बीन भी थोड़ा रेट टूटा क्योंकि अब बीन की क्वालिटी भी थोड़ी कम होती वो हो रही है लूज, तो 35-40 रुपए तक बीन ने बिकी है। अगर मैं बात करूँ गाजर की जनाब? गाजर बिकी है जी 25-30 रुपए तक। बंद गोभी? बंद गोभी जो तो नहीं आई है बढ़िया नंबर वन क्वालिटी वो तो बिकी है 28-30 रुपए किलो, जो दूसरी है पुरानी है वो तो समझो 20 रुपए। फुल गोभी की बात करें सर? ये 20 रुपए। नहीं नहीं ये बिकी है वो बची है सर जी। फुल गोभी आज बिकी है जी जो किन्नौर वाली है। एक सेकंड जी मैं सर। राज तो हम जरूर जानेंगे कि आज के फुल गोभी के भाव क्या है। अगर हम बात करें शिमला मिर्च की तो उसके रेट में भी आज जो है पिछले कल भी जो है हाइक देखने को मिला है, टमाटर वहीं का वहीं बना है। सानी साहब, फुल गोभी? फुल गोभी बिकी जी आज जो तो अभी हमारे पास लॉल स्पीति आई थी वो तो 40 रुपए तक जी, और जो अपनी लोकल है वो 25-30 तक। हरा धनिया? धनिया बिका जी 80 रुपए से 90 रुपए तक। अगर मैं बात करूँ मटर की?
मटर आज 75 रुपए तक बिका किन्नौर वाला जी। बैंगन की बात करूं नेट दे देना ले जाओ बस। बैंगन बैंगन आज बिका जी 23-24 रुपए किलो। अभी किसान भाई मूली का भी रेट पूछ रहे थे, मूली के आज के भाव? मूली एक तो जो आई है जी हमारी लोकल प्रॉपर जिराश की है वो तो बिकी 20 रुपए जी, और जो ये अपनी अभी सरमोर आ रही है ये बिकी है 15 रुपए किलो। 15 रुपए किलो हाँ जी। कद्दू की बात कर रहे हैं? कद्दू 15 रुपए किलो जी। खीरा? खीरा 20 से 22 रुपए तक। आलू लोकल आ रहा है सर, आलू के आज के भाव? आलू लोकल बिक रहा है जी 23 रुपए से लेके 25 रुपए तक। भिंडी? भिंडी आज थोड़ी तेज रही है 28 रुपए 30 रुपए तक गई है भिंडी जी, और घिया भी आ तेज रहा है वो भी लगभग 25 से 30 रुपए बिका है जी। प्याज की बात करूं नासिक से ही आ रहा है प्याज के आज के भाव? प्याज जो बढ़िया क्वालिटी है जी वो तो समझो 19-20 रुपए से कम नहीं बिक रहा है जी, बाकी जो ये अपना रांगड़ा महुआ ये 17 रुपए तक जा रहे हैं। करेले की बात करूं सर? करेला आज 20 से 21 रुपए तक बिका है। लहसुन के कुछ आसार है बनने के? आज की लहसुन की मार्केट क्या है और प्राइस क्या है? लहसुन लगभग स्टेबल ही चला हुआ है जी, अभी कुछ वो नहीं लग रहा आसार, लेकिन जो सुपर बढ़िया से बढ़िया है अब हमारे पास है ये लगभग 85 रुपए तक बिका है ये वाला लहसुन। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लहसुन ये 4A है, ये जो है 85 तक बिका है। और ट्रिपल ए का क्या भाव चल रहा है सर? यही 75 रुपए के आसपास जी। जी और गोलियां? गोली 20-25 रुपए किलो तक। तो अभी मतलब आने वाले कुछ दिनों तक लहसुन बनने के कोई आसार नहीं है जी, मार्केट स्टेबल रहेगी? स्टेबल ही रहेगी जी। अगर मैं बात करूं अदरक की तो लोकल अदरक के भाव क्या है सर? लोकल तो अभी नहीं आ रही जी, बीज में जा रही वो तो उसका भी रेट यहाँ तो नहीं चल रहा, लेकिन जो ये अब सिलीगुड़ी और आसाम आ रहा है इसका रेट अब बढ़ता जा रहा है, ये 75 तक 80 रुपए तक जा रही है अभी जी, इनका रेट 5-4 रुपए ऊपर जा रहा है जी। अगर मैं बात करूं मशरूम की? मशरूम भी एक दो दिन से तेज हुई है, आज भी 120 रुपए तक बिकी है जी। हरी मिर्च? हरी मिर्च भी ऊपर की है, जो 35 रुपए थी वो आज 40 से 45 रुपए तक बिकी है। हरा धनिया? धनिया 80 से 90 रुपए किलो तक। पालक है सर? पालक लोकल आज आई थी 20 रुपए किलो तक बिकी है जी। काली तोरी? तोरी जो बढ़िया आ रही है वो बिक रही है 32-35 रुपए तक। अभी सेब की कौन कौन सी वैरायटी सोलन मार्केट में देखने को मिल रही है और सेब के आज के भाव? सेब अब टाइड रेड जून तो थोड़ा वो हो गया, अब स्टार्टिंग स्पर और ये शुरू हो गया रॉयल जी, और अच्छा सेब जो बिक रहा है वो अच्छा बॉक्स फुल तो वो 2500 से 3000 रुपए तक जा रहा है। अच्छा, बाकी जो थोड़ा लूज है वो समझो 1500 से लेके 2000 तक। स्पर का क्या रेट चल रहा है सर? स्पर बढ़िया स्पर 2500 से 3000 तक। और रॉयल आपने बताया? हाँ, रॉयल में ही आता है स्पर ना, या जो अर्ली स्टार्ट होता है जी। हाँ जी। अगर मैं बात करूँ पपीता की? पपीता आज भी कहते 33-35 रुपए तक। नींबू? नींबू आज 75-80 तक। अनार? अनार भी कई वैरायटीज है, जो तो अच्छा रेड लाल अच्छा लाल आ रहा है वो तो बिके 1100 तक जी। बाकी जो दूसरा आम है वो 650-700 तक। केले के कुछ प्राइस बढ़े? हाँ, केला बिल्कुल आई जा रहा है और केला मिल ही नहीं रहा मार्केट में अच्छी वैरायटी, आज केला 500 रुपए के रेट तक पहुंच गया 100 केले वाला जी। कीवी? कीवी वही 600 के आसपास ही चल रही है। अनानास मार्केट में है? अनानास है, अनानास जो राजा है वो तो बिक रहा है 40-45 रुपए, और जो रानी है वो बिक रही है लगभग 80-85 रुपए किलो तक जी। चेरी की बात करें सर? चेरी तो अब खत्म है जी मार्केट में, अब नहीं है। तरबूज खरबूज मार्केट में अभी है? नहीं, अब खत्म है जी, वो भी अब ला नहीं रहा क्योंकि अब उसका टेस्ट भी खत्म है और क्वालिटी वाइज भी जीरो हो गया। लोगों को जो है मतलब थोक मात्रा में मैं भी देख पा रहा हूँ भुट्टा यानी मक्की भी मार्केट में आई है, तो आज का मक्की का प्राइस क्या है सर? ये मक्की लगभग 450 रुपए का कट्टा जा रहा है, इसमें लगभग होती है जी 60 के और 100 के बीच में जी। मक्की ये वाली जी, नीचे की देसी मक्की आ रही है ये अभी। खुरमानी की बात करें सर? खुरमानी भी अब लगभग एंड है, अब तो वो प्रूंस वगैरह चल रहे हैं, वो जो 150-150 रुपए तक बिक रहा है 2-2.5 किलो का बॉक्स जी। आड़ू आ रहा है वो भी बिक रहा है मतलब 30-40 रुपए किलो तक। लीची? लीची भी अब मार्केट में नहीं है जी, अब खत्म है लीची का भी। पलम है अभी मार्केट में सर? हाँ, पलम आ रहा है थोड़ा 30-40 रुपए। पलम के सर भाव? पलम 30-40 रुपए तक। कुछ किसान भाई ब्रोकली का भी रेट पूछ रहे हैं जनाब। ब्रोकली 50-60 रुपए किलो बिक रही है जी, बढ़िया वाली। अरबी अब मार्केट में आई है लोकल? नहीं, लोकल तो नहीं आ रही, नीचे की आ रही है, वो बिक रही है 25-30 रुपए तक। जाते जाते सानी साहब जितने भी किसान भाइयों ने टमाटर लगा के रखे हैं अभी दिल पे हाथ सबने रखा है क्योंकि रेट बहुत डाउन है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? बस यही कह सकते हैं जी, हौसला रखिए, अभी क्या करें, फसल की है इस बार बेंगलोर उसने मार करी है जी। जो शुरू में रहे वो फायदे में रहे, अब जो अब ये चल रहा है तो अभी तो उम्मीद नहीं है कि जल्दी रेट ऊपर हो जी। क्योंकि फसल ही बहुत है बेंगलोर और नासिक की जी। तो अभी आने वाला टाइम में तो कोई उम्मीद नहीं लग रही कि रेट आप जाए जी।
और लहसन का भी आपने जो 4A बताया वो 85 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। हाँ जी हाँ जी। चलिए सानी साहब, आपने हमसे बात की, शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे एक्सपर्ट सानी साहब, जिन्होंने आज जो है आपको सोलन सब्जी मंडी में जो ताजा सब्जियों और फ्रूट्स के भाव क्या है वो बता दिए है। आप जो है इस लाइव स्ट्रीम को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि सोमवार से लेकर शनिवार तक एक ही चैनल है यानी लाइव टाइम्स टीवी है, जहां पर आपको ताजा सब्जी और फ्रूट्स के भाव जरूर मिलते हैं। आज हमने आपको बता दिया है, आज भी अगर हम बात करें टमाटर की, तो टमाटर पिछले कल जो है टॉप हिमसोनों की अगर हम बात करें तो 200 से लेकर 250 तक बिका है। एक लॉट पिछले कल 300 रुपए तक बिका है हिमसोना। आज भी जो है हमारे एक्सपर्ट ने भी आपको बताया कि टमाटर यही मतलब 200-250 के आसपास रहने वाला है। वो दिन कब आएगा जब टमाटर 700, 1000, 1200 बोली में जाएगा, मैं उस दिन का जरूर इंतजार करूंगा। आप भी उस दिन का जरूर इंतजार करना, क्योंकि मैं दुआ करूंगा कि बहुत जल्द हमारे किसान भाइयों के लिए वो दिन आए जब टमाटर के जो भाव है, जो प्राइस है, वो हाइक हो जाए। मैं भाटिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे लोग जो है लहसुन के बारे में हमें पूछते हैं कि सर लहसुन का क्या रेट चल रहा है। अगर हम बात करें, ये आपका बढ़िया वाला लहसुन है, इसका जो रेट है वो 85 रुपए के हिसाब से चल रहा है। ये 4A है, अगर आप अभी भी लहसुन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो रेट है वो कुल मिला के लहसुन का ठीक है, अगर हम 4A की बात करें। नहीं तो आने वाले दिनों में क्या पता लहसुन का भी रेट डाउन आ सकता है। टमाटर तो पहले ही डाउन चल रहा है। बाकी मैं आपको यही कहूंगा, सोमवार से लेकर शनिवार तक ठीक 7:30 बजे सोलन सब्जी मंडी से जो ताजा सब्जी और फ्रूट्स के भाव क्या है वो हम आपको जरूर बताते हैं। बाकी चलते हैं, मिलते हैं कल ठीक सुबह 7:30 बजे। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित और इस वीडियो स्ट्रीम पर हमारा साथ दे रहे हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। नमस्ते।